वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे पता है क्या अब अंग्रेजी में न थोड़ा तो थोड़ा बोलना शुरू करो अब ऐसे नहीं छोड़ने वाला अब आप धीरे धीरे ना बोलो धीरे धीरे स्टार्ट करो बोलना जब धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे ना एक एक सेंटेंस पे चलोगे ना जब एक एक आइडिया मिलता रहेगा ना तो आपको अंग्रेजी क्या लगेगा आप आसान लेगा तो चलिए देखते हैं फटाफट पहला सही दिया किसी व्यक्ति से रास्ता पूछने के लिए अब किसी व्यक्ति से आप रास्ता पूछना है तो अंग्रेजी में कैसे पूछें कोई काम अंग्रेजी में कैसे करें कि इसे रास्ता पूछना हो किसी से टाइम पूछना हो किसी से कुछ और पूछना हो तो अंग्रेजी में कैसे पूछा जाए तो हमने एक सेंटेंस लिया और आपको बनाकर कर दिखाऊँगा जिसके तहत आप उस सेंटेंस को आसानी से बोल पाओगे हमने कहा किसी व्यक्ति से रास्ता पूछने के लिए अंग्रेजी में कैसे बोले हमने कहा

पीएनबी तो कहीं भी जाने का रास्ता हो तो आपको क्या बोलना है कुड यू टेल मी क्या बताओगे कुड यू टेल मी क्या बताओगे कुड यू टेल मी द बे देखो द बे सबसे में द वे टू द डीएसएल बे टू द एस बी आई द वे टू द रेलवे स्टेशन है ना तो आप मेरे साथ बोलो कुड यू टेल मी यू टेल मी द वे टू द डीएसएल कुड यू टेल मी द वे टू द एस बी आई कुड यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन इस तरह से आप आसानी से बोल सकते हो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको याद कर लो अगला कहता है किसी से आप असहमति हैं कोई किसी ने कोई बात कहा आप उसे सहमत नहीं है किसी ने कुछ बोला आप संतुष्ट नहीं हैं आपको असहमति दिखाना है कि भाई मैं तुम्हारी बात सहमत नहीं हूँ मैं तुम्हारी बात सहमत नहीं हूँ तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलें जब आपको किसी से असहमति दिखानी हो आप किसी के मैटर पर आप खुश नहीं है आप उसमें अपोज करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे असहमति व्यक्त करने के लिए क्या बोलें? आई डोंट अग्री आई डोंट अग्री मैं अग्री नहीं हूं आई डोंट सपोर्ट इट भाई मैं इसको सपोर्ट नहीं करता आई कान सपोर्ट इट आई डोंट सपोर्ट इट आई डोंट थिंक सो मैं ऐसा नहीं सोचता आई डोंट थिंक सो चूंकि आप उसे असहमत हैं तो आपको क्या बोलना है आई डोंट एग्री मैं सहमत नहीं हूँ आई डोंट सपोर्ट इट मैं सपोर्ट नहीं करता आई डोंट थिंक सो मैं ऐसा नहीं सोचता है ना आई हैव एन ऑब्जेक्शन यानी कि इस बात मुझे ऑब्जेक्शन है आई हैव एन ऑब्जेक्शन आई डिफर फ्रॉम यू मैं तुमसे डिफर हूं विन हूं आई डिफर फ्रॉम यू तो ये क्या हुआ हम किसी से क्या करना चाह रहे हैं असहमति यानी आप जब किसी से असहमत हैं तो आप इन सेंटेंसेस को यूज करके आप अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं एक्चुअली हम लोग समय पर अंग्रेजी नहीं बोल पाते हम लोग जो समय आता है बोलने का तो सही वक्त पर सही चीज़ नहीं निकाल पाते इसलिए प्रॉब्लम होता है तो हमने कहा असहमति व्यक्त करने के लिए क्या बोलना है आई डोंट एग्री आई डोंट सपोर्ट इट आई डोंट थिंक सो आई हैव एन ऑब्जेक्शन आई डिफर फ्रॉम यू क्लियर इस तरह से आप बोल लेना इसको आपके लिए आसान हो जाएगा और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखो और से किसी का रंग रूप बताना हो किसी का आपको रंग रूप के बारे में बोलना हो कि भाई वो गोरा कलर में है वो डार्क है वो लाल कलर में है वो पीला है मतलब उसका जो चेहरे का रंग है ना वो पीला है कॉम्प्लेक्शन का मतलब फेस यानी किसी का आप रंग रूप कैसा है अगर वो अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोले सर तो देखिए इसको रंग रूप बताने के लिए सब लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो आप दोबारा लिख लो इसको कॉपी में लिख लो बोल लो याद कर जाओ तुरंत का तुरंत हमने कहा सी हैज फेयर कॉम्प्लेक्सन शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्सन यानी उसके रंग रूप फेयर हैं मतलब गोरे कलर में है शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्सन शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्सन उसके जो कॉम्प्लेक्सन है वो फेयर है बिल्कुल ही फेयर है गोरी है शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्सन यू हैव फेयर कॉम्प्लेक्सन सी हैज फेयर कॉम्प्लेक्सन आई हैव फेयर कॉम्प्लेक्सन है ना यू है तो फेर पे आप सी के बदले में यू लगा दो ही लगा दो सी लगा दो जिसका मन करे लता लगा दो गीता लगा दो लता हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन सीता हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन सुरेश हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन तो फेयर का मतलब गोरा कॉम्प्लेक्शन का मतलब हो गया उसकी जो फेस का जो रंग रूप है उसको मिला करके कर हम लोग बोलते हैं तो शीह फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी उसका रंग गोरा है तो ये रंग हो गया गोरा हो गया तो उसका रंग कैसा है गोरा है शी हैज फ्लोरिड फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन यानी का मतलब चमकता हुआ यानी दमदमाता हुआ लाल कलर का यानी लालिमा लिए हुए चेहरे पर लालिमा है कुछ लगाओ तो ब्लड निकल जाएगा लालिमा फेस है बिल्कुल ही फ्लोरिड है तो शी हैज फ्लोरिड कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ही चेहरा एकदम कोमल है फ्लोरिड

नहीं बोलते गांव घर में अरे गेहूं कलर है है वो गोरा ही लेकिन गेहूं कलर मतलब बिल्कुल ही जो है गेहूं कलर के टाइप का तो ही इज विज कॉम्प्लेक्शन यानी वो विटिज है गेहूं कलर है वह गेहूं कलर है इज हैज है।, है।, वीटिस है।, 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 तो है ना सी हैज विट इज कॉम्प्लेक्शन आप बोलते ही विट इज कॉम्प्लेक्शन यू हैव विट इज कॉम्प्लेक्शन आई हैव विट इज कॉम्प्लेक्शन तो क्या शी हैज हुआज Complexion. मतलब गेहूँ कलर का है। He has dark complexion. He has dark complexion. तो dark का मतलब सांवला कलर काले रंग का डार्क कॉम्प्लेक्शन तो ही के बदले सी कर दो। हैज डार्क कॉम्प्लेक्शन आई कर दो आई कर दो यू हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन यहां पर कर दो, ललिता ललिता डार्क कॉम्प्लेक्शन क्लियर याद हो रहा है अगला देखो ही पेल कॉम्प्लेक्शन तो पेल का मतलब पीला सा बिल्कुल चेहरा जो है ना दुबला पतला पीला सा हो गया है रंग उजड़ गया है बिल्कुल बेरंग हो गया चेहरा तो आपको किसी को बोलना है कि तुम्हारा चेहरा बेरंग हो गया है तो बोल दो यू हैव पेल कॉम्प्लेक्शन किसी को बोलो सी हैज पेल कॉम्प्लेक्शन मतलब कॉम्प्लेक्शन जो है रंग रूप वो पीला सा हो गया है बिल्कुल उजरा कलर हो गया है इसमें और हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि आपको कुछ नहीं करना बस जितना मैं दे रहा हूं ना बस उसी प्रैक्टिस करना है जितना मैं दे रहा हूं ना उसी को बोलना है आज आप चार सीखोगे इस चार को डेली यूज प्रैक्टिस करो इस चार को बोलना शुरू करो जब आप बोलना शुरू करोगे ना तभी तो बोलना आएगा बिल्कुल करने से आता है तो आप मेरे साथ ना शुरू हो जाओ और जितना असरनेस दिया बस बोल दो आ जाएगा अंग्रेजी हमने कहा किसी व्यक्ति से अनुमति लेने के लिए किसी व्यक्ति से अनुमति लेना है क्या मैं अंदर आ जाऊं क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं क्या मैं वहां जाऊं क्या मैं आप मुझसे बात करोगे क्या मैं यह काम करूं क्या मैं वहां जाऊं है ना तो जब आप किसी अनुमति लेते हो क्या आप मुझे हजार रुपए उधार देंगे क्या आप मैं बैठ जाऊं क्या मैं सिगरेट पी लू क्या मैं दौड़ूं? तो जो भी आप अनुमति लेना चाहते हो ना तो उसके लिए अंग्रेजी बोलना आसान है आप देखो इसके लिए चार शब्द का यूज करो कब जब अनुमति लेना है शब्द का, 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 को कुड वुड कै कुड वुड कैन मे ये चार शब्द का यूज करोगे हम मैं लिख रहा हूं कैन का मे का कु का और वुड का ये चार शब्द आप परमिशन लेने में प्रयोग कर सकते हो जैसे बोलते हो ना कैन ए कमिन ध्यान रखना बच्चे कैन ए कमीन सर नहीं होता सर के साथ कैन का प्रयोग नहीं करते कैन एक इनफॉर्मल होता है डिटेल के लिए हमने यूट्यूब पर मॉडल्स का वीडियो बनाया है तो आप वहां पे वीडियो देख लें कहाँ पे जाकर मॉडल्स का यूट्यूब पे सर्च करिए मेरे डी पर सर्च करिए आपको हमने मॉडल्स का कैन का कुड का अलग से वीडियो बनाया हूँ उसको आप देख लीजिए यहाँ जो मैं दे रहा हूँ कैन कप के साथ सर का प्रयोग मत करना जैसे बोलते हैं कैन आई कमिन सर क्या मैं अंदर आ जाऊँ सर गलत हो जाएगा आपको बोलना होगा मे आई कमिन सर मे आई कमिंग सर तो जब कोई चीज फॉर्मल हो तो मे का प्रयोग करिए इनफॉर्मल हो तो कैन का प्रयोग करिए फॉर्मल का मतलब है जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मे आई कमिंग सर दोस्त यार है कैन कमिंग है ना जब कुड और वुड कहां पोलाइटनेस जब आप अंदर से पोलाइट हो तो क्या बोलेंगे वुड वुड यू प्लीज लेंड मी फाइव थाउजेंड रुपीज वुड यू प्लीज लेंड मी फाइव थाउजेंड रुपीज क्या आप मुझे पांच हजार उधार देंगे उजेंड रुपीज है ना कुड यू हेल्प मी प्लीज कुड यू लेव थाउजेंड रुपीज है ना तो मे आई कम इन नॉट कम मे आई कम इन सर मे आई कम इन सर क्या मैं अंदर आ जाऊ सर कैन आई कम इन कैन आई कम इन तो यहां पर कैन आई कम इन सर का प्रयोग नहीं करेंगे कैन आई कम इन क्या मैं अंदर आ जाऊं कैन आई ट्रॉक टू योर कैन आई टेक योर पेन कैन आई टेक योर पेन मे आई टेक योर पेन कूड आई टेक योर पेन वुड आई टेक योर पेन क्या मैं कलम ले लूँ तो कुछ भी चूंकि यहाँ परमिशन ले रहे हैं पोलाइटनेस भी हो सकते हैं फॉर्मल भी हो सकते हैं इन फॉर्मल हो सकते हैं तो कैन आई टेक योर पेन वुड आई टेक योर पेन कूड आई टेक योर पेन राइट कुछ भी हो सकते हो वुड यू माइंड इफ आई स्मोकियर या वुड आई स्मोकियर क्या मैं यहाँ सिगरेट पी लूँ अगर आप बुरा ना माने है ना वुड यू माइंड क्या आप माइंड करेंगे इफ आई स्मोक स्मोकियर या वुड आई स्मोक क्या मैं हां सिगरेट पी लू वुड आई स्मोक स्मोकियर वुड यू माइंड इफ आई स्मोक है ना If you don't mind, अगर आप mind ना करें, If you don't mind, may I use your mobile phone? अगर आपको बुरा ना लगे, तो क्या मैं आपका mobile phone use कर सकता हूँ? है ना? If you don't mind, may I use your mobile phone? If you don't mind, may I use your mobile phone? याद हो रहा है सबको? May I have your introduction? May I have your introduction? May I have your no name? May I have? है ना? कुछ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कुड यू हेल्प यू प्लीज कूड यू हेल्प यू प्लीज क्या आप मेरी मदद करेंगे कूड यू हेल्प यू प्लीज है ना तो इसको आप कि जितने तरह से मर्जी करे आप बोल सकते हो बस ध्यान देना कि कैन और मे मे का यूज करते हैं फॉर्मल में मे का यूज करते हैं फॉर्मल में, में। कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल में और कूड और वुड का प्रयोग करते हैं पोलाइट में जब आप पोलाइट होते हो ना तो कूड और वुड का प्रयोग करते हैं और कैन का प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल इनफॉर्मल में तो जब आप इनफॉर्मल होते हैं इस तरह से आप इस वीडियो को देख करके आप अपने मित्रों के साथ डिस्कस करिए सारे बच्चे मिल करके आपस में बोलिए आपके पास एक अनुमति लेने के लिए दस सेंटेंस है आप दस तरह से बोलिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी औरों से बेहतर हो इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको लिख लीजिए तब जाकर आपके बेहतर होगा और अपने मित्रों से मिल करके आप बोलने का प्रयास करिए और बोल करके हर बच्चे को हर भाई को हर बंधु को आप पूरे भारत में क्रांति की तरह से करिए ताकि हर बच्चा सीखे अंग्रेजी और पूरे भारत में क्रांति फैल पाए घर बैठे पढ़ना चाहो यहां आकर पढ़ना चाहो अब दिल्ली दूर नहीं है थैंक यू वेरी मच